अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 25 नवंबर को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने साधु संतों का महासंसद भी बुलाया है। अयोध्या में मूर्तियों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। राम सेवकपुरम में राम मंदिर में लगने वाली मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। ये मूर्तियां अधिग्रहित परिसर में राम कथा कुंज में स्थापित की जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस श्री विष्णु कोकजे का कहना है कि राम मंदिर के लिए कोर्ट का इंतजार करते करते हम थक गए हैं, अब लोग अधीर हो रहे हैं, अब समय आ गया है कि विधायक का इसमें हस्तक्षेप करे और मंदिर का निर्माण शुरू करे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस श्री विष्णु कोकजे से जी मीडिया संवाददाता नित्यानंद शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कोर्ट का इंतजार करते करते हम लोग थक गए और अब ऐसे समय आ गया कि हम कब तक ये इसका इंतजार करते रहेंगे। लोग अधीर हो रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसको अगर अब हम कुछ नहीं करेंगे तो लोग उसको न्यायालय का जो भी कुछ होता रहे, जिस प्रकार से उन्होंने वो ढांचा गिराने में लोगों ने वो किया, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम लोग करना बैठे हैं, शांति रहे और झगड़े न हो, इसके कारण हम ये समझते हैं कि विकल्प एक ही है कि शासन वो बनाए, कानून बनाए, अध्यादेश लाए, कुछ भी करे। अब विधायिका को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो गई है। ज़्यादा दिन तक आप इसके ऊपर न्यायालय पे भरोसा नहीं रख सकते। अब तो न्यायालय ने साफ कह दिया है कि हमारी प्राथमिकता में ये आता ही नहीं, तो अगर उनकी प्राथमिकता नहीं है तो हमने क्या करना चाहिए। हम खुली आंख से इतना जो विघटन हो रहा है समाज में, एक दूसरे के खिलाफ लोग हो रहे हैं, क्या इसको देखते रहें? तो इसलिए हमने भी ये कहा है कि अब ये समय आ गया है कि संसद ने कानून बनाना चाहिए या सरकार ने अध्यादेश बनाना चाहिए, लेकिन इसमें अब संसद का हस्तक्षेप, विधायिका का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया।